हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए, आधार जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है हमारे डे टू डे लाइफ में। कभी सिम लेना हो तो आपको आधार देना होगा, पैन कार्ड से लिंक करना हो तो आधार देना होगा, कहीं भी आप बच्चे का एडमिशन कराइए तो आपको आधार देना होगा। तो देखिए, इतना इम्पोर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है तो इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कोशिश कीजिए कि अगर आपको देना ही पड़े तो आप मास्क आधार दे दीजिए। अब बात आती है कि मास्क आधार कैसे डाउनलोड करें, तो देखिए वो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के हमारे जो चर्चा का विषय है वो है कि हमारे आधार कार्ड का कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कैसे आप सिंपल ऑनलाइन अपने आप जाके चेक कर सकते हैं कि कोई आपका आधार जो है यूज़ कर रहा है या मिसयूज़ कर रहा है, किन किन साइट्स पे आपका आधार कार्ड यूज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें आप अपने आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं आगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको myaadhar.uidai.gov.in साइट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस साइट पर क्लिक करेंगे तो आपसे सामने ऑप्शन आएगा लॉगिन का, आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो देखिए, सेम ये डाटा आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। जैसे आधार और कैप्चा आप डाल देंगे तो उसके बाद आपको ये क्लिक करना होगा सेंड ओटीपी। जो ओटीपी आएगा वो आप यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। जैसे लॉगिन करेंगे आपके सामने सारा डाटा आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सारा डाटा डाल के, तो देखिए हमारे पास ओटीपी आ गया है, हम ओटीपी डाल लेते हैं। उसके बाद लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो देखिए, जैसे हम लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए, आप जैसे ही इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने दो तीन चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आएंगी जो आपको चेक करना होगा। देखिए, आप लास्ट 6 मंथ का ही ये डाटा चेक कर सकते हैं इसके थ्रू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, जब आपकी ये PDF यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, तो वो एक क्या है, आपका पासवर्ड मांगेगी आपसे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने नाम के पहले 4 डिजिट कैपिटल लेटर में और उसके बाद जो आपको ईयर ऑफ योर बर्थ है उसके लास्ट के 4 डिजिट्स, यानी जैसे मान सकता हूँ कि मैं आपका जन्म 2001 में हुआ है तो आपको 2001 डालना है। ठीक है, आपका नाम मान लिया मैंने अंकुर है तो ANKUR, तो आपको R छोड़ देना है, पहले 4 डिजिट्स ANKU 2001 ये डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो PDF है वो ओपन हो जाएगी। तो हम बात करते हैं, देखिए PDF में क्या क्या डाटा आपसे मांगेगा। तो जैसे ही आप आएंगे पहले पूछेगा वो सेट मोडलिटी, तो उसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप चाहते हैं कि ओनली बायोमेट्रिक का देखना चाहते हैं, बायोमेट्रिक एंड OTP देखना चाहते हैं, या ओनली डेमोग्राफिक देखना चाहते हैं, जो भी आप इसमें से ऑप्शन चूज़ करेंगे। हम यहाँ पर ऑल का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, ऑल ये कह रहा है आपका कि आप लास्ट 6 मंथ का डाटा ही यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम चलो लास्ट 1 मंथ का ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 जून से लेके मैं यहाँ पर आज तक का 18 जुलाई तक का डाटा डेट में डाल लिया मैंने यहाँ पर, और ऑप्शन यहाँ पर आगे हम ऑल में क्लिक कर लिया। उसके बाद में ये सब डाटा आपके सामने आ जाएगा। अब आपको फर्दर क्या करना, अब यहाँ पर आप फैच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो देखिए, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, जस्ट वेट कीजिए उसके लिए, आपका PDF यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो OTP है, पिछले 1 महीने में 100% आपने OTP के थ्रू ही जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो भी हुआ है, सब OTP के थ्रू हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा कि कितना OTP के थ्रू हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है। आप इस डाटा को यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए, ये सब डाटा यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो भी हुए हैं वो ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस डेट में हुआ है, 18 जुलाई 2022 को हुआ है। उसके बाद में अगर कोई आपका डाटा इसमें ऐसा हुआ होता जो यहाँ पर
डेमोग्राफिक्स के लिए होता तो भी आपको यहाँ मिल जाता। आप यहाँ से सीधा उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो आपको डालना होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक किया, पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। देखिए ये जो पीडीएफ डाउनलोड हुई है तो ये आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, देखिए पूरा डाटा यहाँ पर आपका खुल जाता है कि ओटीपी के लिए कब यूज़ हुआ, UIDAI की ऑनलाइन सर्विस के लिए यूज़ हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स यानी आपने अगर कुछ इस टाइप का यूज़ किया, तो लास्ट जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैंने लास्ट वन मंथ का चेक किया तो वन मंथ का यहाँ पर आपको शो कर रहा है। देखिए क्या क्या आपका सक्सेस है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। अगर किसी ने आपका डाटा गलत मैच किया है तो देखिए वो यहाँ पर दिखाएगा कि वो सक्सेस नहीं हो पाया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने उस साइट को जाके आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आप इसमें बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डाटा हमारा ऐसा है जो हमारा यहाँ पर यूज़ हुआ है, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर मिसयूज़ हुआ है। अगर आप चाहें कि इससे ज़्यादा डाटा हमें चेक करना है तो आप लास्ट सिक्स मंथ का भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, देखिए अभी मैं यहाँ पर 2 फरवरी से शुरू कर देता हूँ और यहाँ पर 18 जुलाई तक का कर देता हूँ। फैच हिस्ट्री में जाता हूँ, तो जैसे ही फैच हो जाएगा डाटा ये, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या ऑथेंटिकेशन लास्ट सिक्स मंथ्स में आपका हुआ है। तो देखिए ये दिखा रहा है आपका डेमोग्राफिक 7.14% हुआ है, बायोमेट्रिक्स आपका नहीं हुआ है लास्ट सिक्स मंथ्स में, और ओटीपी आगे का आपका 92.86% हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर डाउनलोड कर सकता हूँ पीडीएफ को, मैं पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। पीडीएफ के लिए फिर वो आपसे वही सेम आपका नाम और आधार कार्ड मांगेगा, मैं वो डाउट यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। देखिए पासवर्ड डालने के बाद मेरा पूरा डाटा यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। आप देखिए यहाँ पर ये जो डेमोग्राफिक्स है, ये नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर यानी NIC में गया तो वहाँ पे भी ये सक्सेस हुआ। यानी जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जहाँ जहाँ मैं विजिट किया हूँ वहाँ पर आपको डाटा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक डाटा है जो डेमोग्राफिक है, वो मैं गया, मैंने अपना यहाँ पर आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराया था यहाँ पर सेंटर में जाकर। तो देखिए ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है मेरे लास्ट सिक्स मंथ्स की। तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारा जो आधार कार्ड है कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, लास्ट सिक्स मंथ का डाटा आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।